दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरों में TGTPGT शिक्षक भर्ती की वेबसाइट की गड़बड़ी दूर, आवेदन शुरू की खबरें छाई हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। चयन बोर्ड की ओर से 13 नवंबर को अचानक NIC के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के चलते आवेदन प्रक्रिया रोक दी गई थी। चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार NIC की परीक्षा वेबसाइट के वेब सर्वर में तकनीकी समस्या दूर करने के बाद विज्ञापन संख्या 01/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT तथा 02/2020 प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा बहाल कर दी गई है। अभ्यर्थी बिना किसी बाधा के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन बोर्ड की ओर से दीपावली के अवकाश के दौरान 3 दिन आवेदन प्रक्रिया रोके जाने के बाद अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अगली सूचना ये है कि UP TET 2020 इस बार तकनीकी TT में रिकॉर्ड संख्या में आवेदन मिलने के आसार। बता दें दोस्तों, UP TET 2020 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET 2020 कराने की अनुमति शासन से मिल गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय दीपावली की छुट्टियों के बाद परीक्षा के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजेगा। तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होगी, इसीलिए परीक्षा 15 फरवरी के बाद होने की संभावना है। आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, पाठ्यक्रम समान पर अर्हता में अंतर। दोस्तों, बता दें कि कला विषय में चयन बोर्ड और UPSC की भर्ती मानकों में अंतर से फंसी नौकरी। आइए देखते हैं, शासकीय विद्यालय हो या राजकीय विद्यालय, दोनों जगह पाठ्यक्रम एक समान है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अर्हताएं अलग अलग निर्धारित की गई हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की ओर से कला विषय के लिए निर्धारित अर्हता में अंतर से विवाद बढ़ता जा रहा है, और बड़ी संख्या में चयनित होने के बाद भी अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रहे हैं। LT समर्थक मोर्चा के मांग की है कि जब पाठ्यक्रम एक समान है तो अर्हता भी समान होनी चाहिए, साथ ही जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है, और राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं कि आज के समाचार पत्रों में और क्या क्या खबरें छाई हुई हैं। देखिए, NIT में प्रवेश के लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग आज से। प्रयागराज IIT में प्रवेश पूरे होने के बाद अब NIT, IIIT सहित केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए स्पेशल राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम 1 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। CSEP की ओर से अब 17 नवंबर से सीट आवेदन आवंटन का काम शुरू होगा। जोसा की ओर से 6 राउंड की काउंसलिंग एवं सीट अलॉटमेंट के बाद खाली सीटों का विवरण देर रात तक जारी कर दिया गया। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CSEP के चेयरमैन प्रो राजीव त्रिपाठी ने बताया कि 17 नवंबर से NIT, IIIT और केंद्रीय संस्थानों के लिए खाली सीटों का काउंसलिंग के साथ सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन परीक्षा में रिकॉर्ड उपस्थिति, बता दें दोस्तों, CGL 19 टीयर 2 ऑनलाइन परीक्षा दीपावली अवकाश के बाद भी परीक्षार्थियों में उत्साह। SSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL 2019 टीयर 2 ऑनलाइन परीक्षा 15 नवंबर को शुरू हो गई है। ऑनलाइन परीक्षा में पहले दिन दीपावली के अवकाश के बाद भी रिकॉर्ड 77.79% उपस्थिति रही, जबकि दूसरे दिन 16 नवंबर को 76.14% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पहले चरण में परीक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहने वाले परीक्षार्थियों को बाहर हो जाने के बाद अब दूसरे चरण में अच्छी उपस्थिति देखने को मिली। दोस्तों, बता दें कि 3 चरणों में BEd काउंसलिंग 19 से प्रारंभ। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित BEd संयुक्त प्रवेश काउंसलिंग का आयोजन 19 अक्टूबर से 3 चरणों में होगा। काउंसलिंग के दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkounivac.ac पर अपलोड कर दिया गया है। प्रवेश समन्वयक प्रो अमिता वाजपेयी ने बताया कि काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें मुख्य काउंसलिंग और फिर पूल काउंसलिंग के बाद सीधे प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपनी स्टेट रैंक के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मुख्य काउंसलिंग में पहले दिन 1 से 50 हजार तक स्टेट रैंक वाले अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण रहेगा। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है कि पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए अब 2 मौके ही बचे। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं कि लाइक अवश्य करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। दोस्तों मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम करिए। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए अब विद्यार्थियों के पास सिर्फ 2 ही मौके बचे हैं, यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की काउंसलिंग का सिर्फ 8वां व 9वां चरण ही बचा है। 7वें चरण का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। इसमें 14,271 विद्यार्थी को कॉलेज आवंटित हुए हैं। इसमें फार्मेसी पाठ्यक्रम के करीब 9,000 विद्यार्थी, वहीं 8वें चरण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। AICT के आदेशानुसार 30 नवंबर तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी करनी है। तो दोस्तों आज के समाचार पत्रों में ये सारी खबरें छाई हैं और देखिए एक खबर और निकल कर के आ रही है, सब इंस्पेक्टर मेडिकल पुनर्परीक्षा 23 नवंबर से। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल सब इंस्पेक्टर एवं CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2018 के लिए मेडिकल पुनर्परीक्षा की तिथि 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2020 के बीच तय की गई है। अभ्यर्थी मेडिकल पुनर्परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट पर जाकर कार्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में प्रसिद्धि शिक्षकों के जिले के अंदर जल्द होंगे तबादले। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों के जिले के अंदर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक और एक नगर